खरगोन जिले के ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस संघ ने डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के विरोध में सोमवार को काला दिवस मनाया और जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और उन्होंने अपने वाहनों पर काले झंडे लगाकर सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन करके आगामी समय में आंदोलन की चेतावनी दी। बता दें कि डीजल पेट्रोल की मूल्य वृद्धि से निजी और कमर्शियल वाहन चालक काफी परेशान हैं। ऐसे में उन्होंने सरकार को एक महीने का समय देकर 1 अगस्त से हड़ताल पर जाकर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। इस दौरान उन्होंने बताया कि अगर समस्या का निराकरण नहीं हुआ तो 1 माह बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल करके उग्र प्रदर्शन करेंगे। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। क्या मांगे आपकी? हमारी प्रमुख मांगे जो है, डीजल को जो वेट है उसे कम किया जाए। अगर वेट स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट कम नहीं करती है तो फिर उसे GST में लाया जाए। हमने 1 महीने का अल्टीमेटम दिया हुआ कि अगर 1 महीने में अगर डीजल की कीमतों पर अंकुश नहीं लगाया गया या वेट नहीं कम किया गया तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। आज हम विशेष तौर पर काला दिवस मना रहे हैं। किस प्रकार काला दिवस मनाया आपने? काला दिवस में हमारे फर्म वगैरह पे काले झंडे लगाए, हमारी गाड़ियों पे काले झंडे लगाए, रास्ते के अंदर जो भी पुलिस बॉर्डर वगैरह RTO बॉर्डर वगैरह है यहाँ पे जो भी अवैध वसूली कर रहा है उन्हें काले झंडे बताना है। किस प्रकार की अवैध वसूली होती है? अवैध वसूली बॉर्डरों के ऊपर, एक तरफ तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि वन नेशन वन इंडिया, दूसरी ओर जो है ना अंतर्राष्ट्रीय जितनी जो अंतर्राज्यीय बॉर्डर है, हर बॉर्डर हर स्टेट के बॉर्डर अलग अलग होती है। एक स्टेट के ऊपर 20 से 25 बॉर्डर हैं कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा, और कम से कम अगर बॉर्डर किया जाए तो एक स्टेट के अंदर 5 से 7 बॉर्डर आती है। हर बॉर्डर के ऊपर अवैध वसूली होती है। इसके लिए हमने परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी को भी कई बार आवेदन वगैरह दिया, बाकी कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या नाम लिखते हैं आप? आरिफ खान। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।